है। अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है, सिस्टर से बार बार शिकायत पर भी निदान नहीं हुआ है, जिसके बाद ये पीड़ित ये संदिग्ध किस तरह से धमकी दे रहा, सुनाते हैं आपको। ये देखिए, ये गाली देके बुलाया जा रहा है मुझे मारने के लिए, ये देख सकते हैं आप लाइव हो करके, लाइव हो करके देख, ये देखिए मारने की धमकी दे रहा है मुझे। अरे तबीयत खराब है ऊपर से तुम लोग, ये देखिए, ये देख सकते हो आप, रात से चिल्ला जा रहा हूँ, रात से चिल्ला जा रहा हूँ कुछ तो ट्रीटमेंट दे दो, बट कोई ट्रीटमेंट नहीं यार, सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं हम, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, दरवाजा बड़बड़ाते रह गया मैं, दरवाजा बड़बड़ाता रह गया यार। मैं नाम आकाश गुप्ता है, मैं बस्ती में से कैली अस्पताल से बात कर रहा हूँ, जिला अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस फूल रहा है, मैं पहले कैली जिला अस्पताल में था, फिर वहाँ से कैली अस्पताल लेके आया गया, मैं रात भर सांस फूल रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार था मुझे, मैं तड़पता रह गया कैली अस्पताल में, सिस्टर से बोलता रह गया कि मुझे मेरा इलाज करो, मेरा इलाज करो, मुझे दवा दो, बट सब अंदर जा कर के सो रही थी, कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया, सब ये बोल रहे थे कि अंदर जाके सो जाओ, आप मुझे बताओ कि हम अंदर जाके कैसे सोएं जब तबीयत इंसान की खराब है, सांस पे सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, अभी मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छुऊंगा जा करके, 10 100 10 को छुएंगे, 100 100 100 को छुएंगे, आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी, ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं DIG सर को फोन कर दिया, CMO सर को फोन कर दिया, SI सर को फोन कर दिया, डॉक्टर जितने भी सबको फोन कर दिया, अभी तक रात से कोई भी नहीं झाँकने आया, ये सिस्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पे, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। ये देखिए ये गाली